ड्यूटी है, कौमी फरीज़ा है हमारा, इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स हों या दीगर इंतज़ाम हों वो मुकम्मल हैं, और हम कॉन्फिडेंट भी हैं और अल्लाह ताला से की मदद हमारे साथ है इंशाल्लाह, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और वोटर्स जो हैं वो अपना वोट जो है वो आज़ादी के साथ अपनी मर्जी के कैंडिडेट को डाल सकें। सर, मुल्क भर में मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या समझते हैं? अभी मैंने तो टीवी पे ही टिकर चलते देखा है, रात को तो आ गया था कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी, लेकिन हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है, हमारी प्रेपरेशन पे इसका कोई असर नहीं। सर, करोड़ों लोगों ने वोट डालना है, 8300 आज लोग इस्तेमाल करेंगे, वो लोग अपनी मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। ये देखें, दिस इज़ बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन। बलूचिस्तान में जो दो अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं, तो ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं उनका डिसीजन होता है, इसमें कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस तो दे सकते हैं, लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी है, तो इसमें कमीशन को मैं नहीं समझता मुदाखलत कर। सर, कोई डायरेक्शन देंगे आप इस तनाजर में कि इसको रीइंस्टेट किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। इस पर अगर हम डायरेक्शन देते हैं और खुदा ना खास्ता कोई वाकया होता है तो कौन जाएगा। थैंक यू सर। कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।